हेलो एंड वेलकम टू चैनल आज इस सेशन में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ आई पैट एंड काया आइडेंटिटीज़ आई पैट एंड काया जो आइडेंटिटीज़ हैं जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ ये दो अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं करेक्ट सो so, ये जो टॉपिक है बेसिकली ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसे इग्नू में इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरमेंट में पढ़ाया जाता है एम ई जिसका कोड है करेक्ट uh, सो so, <coughs> जैसा यूजली हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम एक इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे आई पैट एंड काया आइडेंटिटीज आर टू फ्रेमवर्क्स यूज टू अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द क्लाइमेट चेंज बोथ आइडेंटिटीज प्रोवाइड वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स करेक्ट तो आई एंड काया जो आइडेंटिटीज़ हैं ये दोनों अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं पहले आई आया एंड देन उसके बाद काया करेक्ट तो ये यूजली इनका जो यूज़ है इनका जो प्रयोग है वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इमवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब जो फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में मतलब जो नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में जैसे क्लाइमेट चेंज है तो उसमें कौन से फैक्टर्स हैं किस चीज़ों की वजह से आ रहा है तो उन चीज़ों को रिलेशनशिप को जो मतलब उसमें कुछ जो ड्राइवर्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मतलब जो ह्यूमन जो पॉपुलेशन है करेक्ट uh, वो जब बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है करेक्ट तो उस डिमांड को uh, पूरा करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बढ़ाना पड़ता है करेक्ट तो उससे फिर जो है uh, जो ग्रीन हाउसेज गैसेस हैं करेक्ट तो वो जो हैं डायरेक्टली uh, या इनडायरेक्टली जो हैं वो एनवायरमेंट को प्रभावित करती हैं तो उन्हीं रिलेशनशिप को ये ब्रेकडाउन करता है ये तो हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल एक नेचुरल होता है करेक्ट एंड दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज तो नेचुरल क्या हो सकता है वॉलकैनिक इरप्शन मतलब जो ज्वालामुखी है जब वो आ, फूटता है तो उसकी वजह से चेंजेस आता है एनवायरनमेंट में क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं और दूसरा हो सकता है टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो सकता है करेक्ट तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है <coughs> वो जो है एनवायरमेंटल जो नेगेटिव चेंजेस हैं उसको इंड्यूस करता है करेक्ट सो सॉरी द आईपेट एंड काया आइडेंटिटीज आर टू फ्रेमवर्क्स यूज टू अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो ये ड्राइवर जो है जो ड्राइवर्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो सकते हैं करेक्ट सो ड्राइवर्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज बोथ आइडेंटिटीज प्रोवाइड ए वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स इम्पैक्ट एंड कैन हेल्प द पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज़ वेयर इंटरवेंशनस कैन बी मेड टू रिड्यूज़ दिनवायरमेंटल इम्पेक्ट मतलब जो रिसर्चर्स हैं जो उस फील्ड में रिसर्चर्स हैं या वहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं करेक्ट तो वो जो हैं उन आई पैट एंड काया कील्प से वो उन ड्राइवर्स को उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पर फिर उन किस फैक्टर्स को कितना रिड्यूज़ करना है उसके बेसिस पर वो <coughs> जो है पॉलिसी फॉर्म uh, करते हैं करेक्ट होप ये समझ आया होगा नेक्स्ट uh, आगे चलते हैं पहले हम बात करते हैं आईपैट के बारे में करेक्ट सो आई बेसिकली क्या है द आई आइडेंटिटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एयरलेच करेक्ट एंड द होल्ड्रॉन इन नाइनटीन वन सो एयरलेच एंड होलड्रॉन जो थे उन्होंने फर्स्ट इसको इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया नाइनटीन वन में

एंड टेक्नोलॉजी टी रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी हेयर टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में बात करता है ठीक है सो द बेसिक एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला है इसका वो कुछ इस तरीके से होगा आए uh, वो ऑलरेडी क्या है आए रिप्रजेंट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इक्वल्स टू पी P means uh, <coughs> human population, into affluence means uh, multiply by uh, per capita income and then multiply by uh, uh, technological progress. Correct? So, in this equation, population refers to the total number of people affluence refers to the per capita income as i already stated about and the technology refers to the level of technology and the efficiency in the production processes so the ipat identity suggests that environmental impact is the product of these three factors correct these three matlab uh, population बार कैपिटल इनकम एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दैट रिड्यूसिंग एनी वन ऑफ दैम कैन हेल्प टू रिड्यूज़ दी ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं वो इनमें से जांचेंगे एनालाइज करेंगे कि किन फैक्टर्स को जो है हम रिड्यूज करके ओवरऑल जो एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो नेगेटिव इम्पेक्ट हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं तो किन तत्वों की वजह से वो इंड्यूसमेंट हो रहा है उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं सप्रेस कर सकते हैं करेक्ट नाउ इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है क्रिटिसिज्म कहता है द आई पेट आइडिटी आइडेंटिटी हैज बिन क्रिटिसाइज फॉर ओवर सिंप्लीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट करेक्ट uh, तो ये कहता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं मतलब आई आइडेंटिटी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर ओवर सिंपलीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती हैं करेक्ट जो इंड्यूजमेंट करती हैं करेक्ट तो इस ये जो है उस मतलब ग्राउंड लेवल पे वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है बट यहाँ पर उसको सिंप्लीफिक सिंप्लीफाइड करके प्रस्तुत किया गया है प्रेजेंट किया गया है तो वो इतना सिम्प्लीफाइड है नहीं जितना इसको यहाँ दिखाया गया है वो कहीं ज़्यादा जो है रेदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ग्राउंड रियलिटी सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द आई पैट आइडेंटिटी डज नॉट प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड दैट इट इग्नोर द सोशल सोशल एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंटल आउटकम्स तो ये जो है इसका क्रिटिक क्या है <coughs> कि आई पेट आइडेंटिटी डज नॉट रिकोगनाइज और कंसिडर सोशल फैक्टर एंड द सेकेंड इज द पॉलिटिकल फैक्टर मतलब जो सोसाइटल लेवल पे जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मॉडर्न इकोनमिस्ट हैं वो सोशल फैक्टर uh, मतलब जो रिलीजन है उसको भी वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर लेकर चलते हैं कि इससे भी uh, जो uh, जो इकॉनमिक्स है इकॉनमी uh, में जो है बड़े बदलाव आते हैं मतलब जैसे डिमांड एंड सप्लाई उससे इफेक्ट हो सकता है करेक्ट तो सोसाइटल लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ये आईपैड जो है वो कंसीडर नहीं करता है और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसकी वजह से जो बदलाव आ रहे हैं करेक्ट तो इन दोनों फैक्टर्स को ये कंसिडर नहीं करता है करेक्ट ये इसका क्रिटिसिज्म है नाउ <coughs> आगे चलते हैं अब बात करते हैं हम काया आइडेंटिटी अभी तक हमने सॉरी <coughs> डिस्कस <coughs> किया आईपेट आइडेंटिटी नाउ काया क्या है सो द काया आइडेंटिटी इज़ अ वेरिएशन ऑफ द आईपेट आइडेंटिटी सो काया आइडेंटिटी जो है ये आईपैड आइडेंटिटी के काफ़ी बाद में आया एंड दिस इज वेरिएशन ऑफ द आईपैड आइडेंटिटी एंड इट इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रिसर्चर्स हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट योइी काया करेक्ट एंड कीची योकी योकोबोरी ओके सो थोड़ा डिफिकल्ट है नेम प्रोनाउंसिएशन सॉरी फॉर दैट योची काया एंड का कीची योकोबोरी सो द काया आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन द सेम थ्री फैक्टर्स एज द आईपेड आइडेंटिटी रिकोगनाइज और कंसिडर सो आईपैट क्या था एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन को कंसिडर करता था सेम काया भी करता है सेकेंड जो है पर कैपिटा इनकम को कंसिडर uh, करता है काया भी करता है एंड टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है प्रोडक्शन प्रोसेसिस में उसको कंसिडर करता था काया भी करता है बट काया एड ए फोर्थ फैक्टर हेयर सो देर इज अ चेंज करेक्ट सो वो क्या करता है इट एड्ज ए फोर्थ फैक्टर विच इज नॉन एज दर्जी इंटेंसिटी अब यहाँ पर एनर्जी की इंटेंसिटी को ये कंसिडर करके चलता है सो so, इसका जो बेसिक जो जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है सीओ टू सी ओ टू इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय जी डी पी अपॉन पी ओ पी इन टू सी ओ टू अपॉन जी डी पी इन टू ई अपॉन जी डी पी अब यह क्या है इसको देख लेते हैं एक बार एक्सप्रेशन को इन दिस इक्वेशन सी ओ टू रेफर्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड ये हम ऑलरेडी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं करेक्ट तो सी ओ टू रिप्रेजेंट हेयर कार्बन डाइक्साइड एंड जी डी पी अपॉन पी ओ पी रेफर्स टू दर कैपिटा इनकम करेक्ट पी ओ पी मीन्स यहां पॉपुलेशन है इसको हम पी भी लिख सकते हैं खाली हमने पी ओ पी कर दिया सो जी डी पी अपॉन पी ओ पी रेफर्स टू दर कैपिटा इनकम एंड सी ओ टू अपॉन जी डी पी रेफर्स टू द कार्बन इंटेंसिटी करेक्ट इन पर अभी बात करते हैं कि एनर्जी इंटेंसिटी एंड वॉट इज कार्बन

कार्बन इंटेंसिटी बेसिकली ये जो है कार्बन इंटेंसिटी मीन्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो एनवायरनमेंट में जो उस, उसको प्रोड्यूस करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका जो एमिशंस हो रहा है एनवायरमेंट में करेक्ट उसको हम कार्बन इंटेंसिटी बोलते हैं करेक्ट सो सी ओ टू जो है आ, आ, जो है सी ओ कार्बन इंटेंसिटी मीन्स जो ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है एनवायरमेंटल एनवायरमेंट में सॉरी करेक्ट एंड सेकेंड थिंग ये क्या कहता है एनर्जी इंटेंसिटी एनर्जी इंटेंसिटी क्या है एनर्जी इंटेंसिटी एनर्जी इंटेंसिटी बेसिकली क्या है एनर्जी इंटेंसिटी इज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब कितनी एनर्जी जो है वह यूज हो रही है उस प्रोडक्ट को उस एक यूनिट को बनाने में करेक्ट तो ये पर कैपिटा इनकम से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा तो उनका जो है डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ता है और जब डिमांड उसका बढ़ेगा तो उसको डिमांड को पूरा करने में प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा और फिर जब प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगी तो उसमें एनर्जी इंटेंसिटी भी रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा एनर्जी हमें उसको प्रोड्यूस करने में चाहिए तो जब हम ज़्यादा एनर्जी उसमें प्रोड्यूस करने में लगाएंगे तो कार्बन का इंटेंसिटी मतलब सी एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो अमिशंस है वो भी बढ़ जाएगा करेक्ट तो कार्बन इंटेंसिटी एंड एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है रिलेटेड है किसके साथ जीडीपी के साथ नाउ Uh, आगे चलते हैं दिकाया आइडेंटिटी हैज़ सम एडवांटेजेस ओवर द आई पैट आइडेंटिटी यहाँ कुछ इसके uh, जो है uh, जो है आई पैट आइडेंटिटी से ये ज़्यादा मतलब uh, ज़्यादा एडवांटेजेस है बिकॉज इट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स एनर्जी इंटेंसिटी एज ए फैक्टर तो फोर्थ फैक्टर जो है uh, uh, ये ज़्यादा उससे बेहतर है करेक्ट मतलब ये एनर्जी इंटेंसिटी मतलब ई अपॉन जी करेक्ट ई अपॉन जी डी पी रेफर टू दी एनर्जी इंटेंसिटी ये फोर्थ फैक्टर को वो तीन फैक्टर तो आईपेट जो है कंसिडर करता है बट ये फोर्थ फैक्टर को भी कंसिडर करता है विच इज एनर्जी इंटेंसिटी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ड्राइवर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमीशंस बिकॉज एनर्जी यूज इज अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमीशंस करेक्ट तो जितना ज्यादा एनर्जी यूज एनर्जी इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा कार्बन इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा एंड ग्रीन हाउस गैस अमिशंस भी आ, उसके साथ बढ़ेगा करेक्ट तो ये दोनों आइडेंटिटीज हमने अंडरस्टैंड कर लिया अब हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं और क्रिटिसिज्म या सो काया आइडेंटिटीज के जो क्या क्रिटिसिज्म है हाउ एवर लाइक द आई पेट आइडेंटिटी द काया आइडेंटिटी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर ओवर सिंप्लीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड दिनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो ये भी जो रिलेशनशिप है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए जो उनके बीच में मतलब एनवायरमेंट एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है और जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको ओवर सिंप्लीफाइड करके प्रस्तुत करता है तो वो जो है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऑन द ग्राउंड लेवल एंड फॉर नॉट अकाउंटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स करेक्ट तो सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को ये भी कंसिडर नहीं करता है दैट इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल आउटकम्स करेक्ट ये बात सही है नाउ अब इसका जो कंक्लूजन है उसे देख लेते हैं पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन निकला बोथ आईपेट एंड काया आइडेंटिटीज आर यूजफुल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द ड्राइवर्स ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड कैन हेल्प पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर इंटरवेंशन कैन बी मेड टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो बोथ जो आई एंड काया आइडेंटिटीज़ हैं वो यूज़फुल टूल्स हैं फॉर रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए बिकॉज़ वो आइडेंटिफाई और एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल जो है वो एनवायरमेंट uh, जो है अफेक्ट हो रहा है और फिर हमें किन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए रिड्यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा जो है पॉजिटिव आउटकम्स आए हाउ दे आर नॉट परफेक्ट मॉडल्स आगे कहता है कि ये परफेक्ट मॉडल्स नहीं है एंड मस्ट बी यूज इन कंजक्शंस विद अदर सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल आउटकम्स तो मतलब कहता है कंजक्शंस मीन्स दूसरे फैक्टर्स के साथ इसको मिला करके करेक्ट कंजक्शन में अगर हम यूज करते हैं तो ओवरऑल एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो हमें मिलेगी कि उसमें हम ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि एनवायरमेंटल एनवायरमेंट environment में किन चीज़ों को मतलब कौन से जो तत्व हैं जो फैक्टर्स हैं जो नेगेटिवली उसको इफेक्ट कर रहे हैं करेक्ट सो यहाँ जो है इसका एंड होता है और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था बहुत ही आसान करेक्ट कोई इसमें मैथमेटिकल uh, कोई जो है थ्योरी uh, न्यूमेरिकल नहीं था करेक्ट सो so, इसी तरीके से जो है मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन uh, में लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो